फुल सर्कुलर का हम सबसे पहले मेन फैब्रिक काट। फुल सर्कुलर के लिए मैंने इस तरह का एम्ब्रॉयडर्ड जॉर्जेट लिया है 6 मीटर विथ ब्लाउज। चलो तो अभी हम फुल सर्कुलर स्कर्ट की फुल अम्ब्रेला जिसको बोलते हैं उसकी कटिंग करने जा रहे हैं। तो हमें क्या करना है, पहले तो हमें लेंथ लेनी है जितनी हमें चाहिए। सो लेंथ 39, सो प्लस 2 इंचेस। 39 प्लस 2 41, 41 प्लस वेस्ट डिवाइड बाय 6.28। सो वेस्ट है 32, 32 को 6.28 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 5 to 5.5। तो यहाँ से 5.5 से 1 to 2 इंचेस इमरजेंसी का लेके फोल्ड करना है। लेंथ प्लस वेस्ट डिवाइड बाय 6.28 प्लस 2 to 3 इंचेस फॉर इमरजेंसी। इसके अकॉर्डिंग हम 4 फोल्डिंग करेंगे। तो देखो ये 2 फोल्डिंग हुई हमारी, ठीक है, ये 2 लेयर्स हैं। तब मैं इसको हटा दूंगी और यहाँ से डबल फोल्डिंग करूँगी। फिर यहाँ से हम इस तरह 4 फोल्ड कर देंगे। चलो अभी हम मार्किंग करेंगे। सो अभी 4 फोल्ड हो गया। ये वाली लाइन हमारी एकदम स्ट्रेट रहनी चाहिए। अभी मैं यहाँ से मार्किंग करूँगी वेस्ट डिवाइड बाय 6.28। वेस्ट इज 32, 32 डिवाइड बाय 6.28, 5.0 मीन्स 5 इंच। ये वाली वेस्ट मुझे टाइट 34 के अकॉर्डिंग करते हैं इस बार। 34 डिवाइड बाय 6.28, 5.4 मीन्स 5.5 आई हैव टू टेक। सो ये वाला तो हमें कट कर देना है, कैच ले दो। ये वाला हम प्लेन वाला पूरा काट देंगे। चलो वेस्ट डिवाइड बाय 6.28, 5.5। परफेक्ट सर्कल बनाना है एकदम। अब यहाँ से लेंथ ले लेंगे। लेंथ 39 प्लस 1 40। इसमें आप प्लस 2 भी कर सकते हो ताकि आपको बाद में प्रॉब्लम ना हो। अब मेजर टेप को हम यहाँ रखेंगे। ये लो यहाँ पकड़ो, से एक अंगुली। हाँ कि अंगुली कितनी पतली है छोड़ो, एक बार मैं बताती हूँ ऐसे पकड़ो। चलो तब जितना भी इंचेस आ रहा है उसके अकॉर्डिंग हम ऐसे मार्किंग कर देंगे। चमाचम हो जाऊंगी मैं पूरी आज। ओके okay. 45 समथिंग आ रहा है, ठीक है, पूरा राउंड हो गया। एक बार वेस्ट मेजर कर लेंगे। वेस्ट डिवाइड बाय 4 होना चाहिए, 8.5। इसका जो सेंटर है वहां से हमें ऑलरेडी 1 इंच कम ही कट करना है ताकि फैब्रिक वेस्ट ना हो। और ऑन द सेंटर वी हैव टू कट 1 इंच इन साइड लाइक दिस। चलो अभी हटाते हुए वीडियो। इधर से आप हटाना, रेडी बोल तो रेडी। सिर्फ इसको फोकस करो। चलो स्टार्ट बताओ। अभी नीचे का जॉइंट काटना है। ये नीचे का ग्रीन वाला हम काटेंगे नहीं, जॉइंट लगने के बाद काटेंगे।
फोर चाहिए हमें, ये फोर है और फोल्डेड, फोर पीस चाहिए हमें और फोल्डेड, यानी ये तो हमारा एक फोल्डेड निकल गया जो वहां से था, तो इसको मैं कुछ इस तरह से रखूंगी। बराबर आ रहा है। अभी एक और चाहिए, वो इसमें से लेना होगा। ठीक है, ऐसे सेट कर दिया। अब इसको हम ऐसे करेंगे, और कट कर लेंगे। देखो मार्जिन का हमने फोल्ड करके रखा, परफेक्ट। देखो ये पूरा फोल्ड पे आ जाएगा, ये सब फोल्ड पे है, जो भी जॉइंट है वो परफेक्टली आ जाएगा। जैसे हम ओपन करेंगे तो ये फोल्ड पे है, तो हमारा जॉइंट भी फोल्ड पे रहेगा। तो ये हमें इस तरह से जॉइंट करना है। यहाँ पे आप पिन लगा सकते हो पहले ही, और जैसे ये स्टैंडिंग लाइन है तो ये भी स्टैंडिंग लाइन आई है, और इसमें हमारा सेंटर में भी जॉइंट आ जाता है तो चल जाता है। अगर फैब्रिक ना हो तो सेंटर में जॉइंट लेना पड़ेगा। इसमें देखो जॉइंट दिखेगा भी नहीं, परफेक्टली मैच कर देना है हमें। ये हो गई कटिंग, अभी लाइनिंग काट लेंगे, वो भी फुल सर्कुलर ही काटेंगे। इसमें हमारा ब्लाउज बन जाएगा। इसको भी हम उसी तरह फोर फोल्ड करके रखेंगे, और इस पे नई मार्किंग करके कट कर लेंगे। यहाँ से हम वेस्ट डिवाइड बाय 3.14 मार्क करेंगे, सॉरी 6.28। 3.14 अगर हाफ सर्कुलर करना हो, फुल सर्कुलर में आप हाफ सर्कुलर लाइनिंग डाल सकते हो, बट अगर आप नेट का बना रहे हो या फिर ऐसे जॉर्जेट का, तो फुल सर्कुलर में फुल सर्कुलर लाइनिंग डालनी है। इफ़ यू आर मेकिंग नेट फैब्रिक फुल सर्कुलर और जॉर्जेट, देन यू हैव टू ऐड लाइनिंग विथ फुल सर्कुलर, अदरवाइज यू कैन ऐड हाफ सर्कुलर ऑल्सो। आप हाफ अम्ब्रेला भी डाल सकते हो। यहाँ पे मैं वापस 5.5 से मार्किंग करूँगी। यहाँ से लेंथ ले लेंगे, 40 ले लेते हैं इसमें। और इसमें मैं आपको अलग टाइप से बताऊंगी कि नीचे का फिनिशिंग कैसे करना है। तो हम यहाँ पे लेंथ प्लस 4 इंचेस लेंगे, वी विल टेक लेंथ प्लस 4 इंचेस, क्लियर। 40 39 प्लस 5 इंचेस आई एम टेकिंग, 44 विथ मार्जिन। सो लेंथ प्लस 5 इंच आपको लेना है। लेंथ के अकॉर्डिंग हम फोल्डिंग कर देंगे। 1 मिनट, लेंथ प्लस 5 इंचेस फ्रॉम दिस पॉइंट। ऊपर से लेंथ प्लस 5 ले लिया तो सब गड़बड़। यू हैव टू टेक लेंथ प्लस 5 फ्रॉम दिस। इसमें भी हम सेंटर से ऑलरेडी 1 इंच अंदर से ही कट करेंगे। इसका भी जॉइंट काट लेंगे। इसमें पूरा पूरा 5 मीटर फैब्रिक था। ज्वाइनिंग के अकॉर्डिंग रख देंगे। हाफ हाफ इंच मार्जिन का ओवरलैप कर देंगे 1 इंच। अभी देखो ये कम लग रहा है, बट जब हम पहनेंगे तो ये पूरा स्ट्रेच हो जाएगा। तो ये भी कटिंग हो गया है। ये सब ज्वाइन करके हम नेक्स्ट क्लास में रेडी रखेंगे, और ज़िप और नीचे की फोल्डिंग कैसे करना है वो सब एक्सप्लेन होगा।